हाँ जी to make a presentation and slide master is used to apply the common formatting or insert the important objects that you want to insert on all the slides and it is created by a user it is not predefined okay slide master is a common format that is for creating all the slides of the presentation and it is created by a user to apply the common formatting to all the slides or to insert some important object that you want to insert on all the slides. It is created by user. Three types of slide master. Three slides. Three types of slide masters. What are the three types of slide masters? Slides, notes, and handouts. Correct, Jayashree. Slide master, notes master, and handout master. There are three types for slides, for notes, for handouts. हाँ मुझे पता रेणुका ने भी दिया जयपी ने भी दिया ओके थैंक यू गुड ओके गुड वन राइट डाउन इन योर रफ कॉपीज मीनिंग ऑफ स्लाइड मास्टर टाइप्स ऑफ स्लाइड मास्टर स्लाइड्स नोट्स हैंडआउट्स मैम एक बार मीनिंग रिपीट कर दो बेटा स्लाइड मास्टर इज अ डिजाइन थीम यूज्ड फॉर द स्लाइड्स विदिन अ प्रेजेंटेशन Our slide master is a design theme to format all the slides of a presentation. Can I have a bench here for you? To format all the slides. Three types of slide master. For slides, for notes, and for handouts. For slides, for notes, for handouts, and for handouts. What is the command to open the slide master? View master slide master. View master slide master. View menu. Master slide master. View menu. Master. Elements. Header. Footer. Return time.
8 and 9 and slide number. एलिमेंट्स ऑफ स्लाइड मास्टर. स्लाइड मास्टर के ऊपर कौन कौन से बॉक्सेस होते हैं? स्लाइड नंबर. यू कैन ऐड अ प्री डिफाइंड हेडर एंड फुटर्स ऑल्सो. प्री डिफाइंड हेडर्स एंड फुटर्स. Yes, you can add predefined header and footer by opening the header and footer dialog box. Header and footer dialog box can be opened by using the view menu header footer option. Okay, what is the menu command for opening the header and footer dialog box? View menu header and footer option. Write down the command. View menu. Date and time fixed value of date, or variable value for date. Date will change according to the system date automatically on the slides. अगर फिक्स करेंगे तो फिक्स डेट एक एंटर कर देंगे कि ये डेट डिस्प्ले होनी चाहिए. ठीक है, दैट इज इन हेडर एंड फुटर. और यू कैन इंसर्ट द फुटर स्लाइड नंबर्स. एंड इफ यू वांट टू डू द सेटिंग फॉर कि वेदर हेडर फुटर शुड बी डिस्प्लेड ऑन फर्स्ट स्लाइड और नॉट, तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. डू नॉट शो ऑन फर्स्ट स्लाइड. तो फर्स्ट स्लाइड पे हेडर फुटर डिस्प्ले नहीं होंगे बिकॉज दैट इज यूजुअली द टाइटल स्लाइड, तो उस पे नहीं आएगा, बाकी सब पे आएगा. क्या हेडर फुटर फर्स्ट स्लाइड पे अगर आपको कुछ नहीं डिस्प्ले करवाना है तो डायलॉग बॉक्स में देयर इज एन ऑप्शन डू नॉट डिस्प्ले ऑन फर्स्ट स्लाइड. चेक बॉक्स बना होता है, आप उसको चेक कर दोगे तो फर्स्ट स्लाइड पे वो बाय डिफॉल्ट सारी स्लाइड्स पे आता है. नहीं नहीं, वो सब पे आएगा. फिर उसके लिए अगर किसी एक स्लाइड पे लगाना तो वो टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लो. ठीक है, हेडर फुटर या स्लाइड मास्टर ऑल द स्लाइड. कौन से इंसर्ट मेन्यू में फील्ड्स ऑप्शन यूज कर सकते हैं, वो वर्ड में ज्यादा होते हैं. ठीक है, नाउ एडिंग इलस्ट्रेशंस टू द स्लाइड. यस बेटा. मैम अगर सब पे डिफरेंट हेडर फुटर्स लगाने हो तो क्या करते हैं? हेडर फुटर का मीनिंग कॉमन इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द पेजेस. ठीक है, हेडर फुटर का मीनिंग ही यही है कि कॉमन इंफॉर्मेशन, कॉमन टेक्स्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर ऑल द स्लाइड. तो अगर अलग अलग ही करना है तो फिर हम डिफरेंट स्लाइड पे अपने आप इंसर्ट कर सकते हैं. फिर हेडर फुटर की या स्लाइड मास्टर की क्या जरूरत है? ठीक है, ओके. नाउ एडिंग इलस्ट्रेशंस. एडिंग इलस्ट्रेशंस मींस यू कैन ऐड द पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, ग्राफिक्स, शेप्स एज यू हैड इंसर्टेड इन एमएस वर्ड राइटर. सेम स्टेप्स, ऑलमोस्ट कमांड्स भी सेम है, मेथड्स भी सेम है फॉर इंसर्टिंग द पिक्चर्स ऑन द स्लाइड. देयर आर टू मेथड्स. इन द लास्ट लैब वी हैड डन बाय यूजिंग चार्ट मेन्यू पिक्चर ऑप्शन फ्रॉम फाइल एंड सेकंड मेथड फाइल मेथड्स टू इंसर्ट picture on slide. One, first menu, picture option from file. Then second method, using the slide layout, having picture icon, like for example, title and content. Two text boxes on there, two time picture icon होगा, you can insert that, use that. Click on the picture icon, it will open the picture dialog box. Insert picture dialog box.
नहीं स्लाइड, हाँ स्लाइड लेआउट में जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें चार ऑप्शंस होती हैं, हाँ टेबल होती है, पिक्चर होती है, वीडियो वीडियो होती है और चार्ट्स होगा, ठीक है हाँ, उसमें से अगर आप पिक्चर आइकन पे क्लिक करोगे तो इट विल ओपन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, ठीक है, सो दैट मींस दैट पिक्चर इफ यू आर यूजिंग एनी लेआउट स्लाइड लेआउट विच इज नॉट हैविंग द पिक्चर आइकन, यानी मुझे ब्लैंक चाहिए या मुझे मल्टीपल पिक्चर्स इंसर्ट करनी है तो आई कैन यूज द मेन्यू कमांड, अदरवाइज आई कैन यूज द स्लाइड लेआउट ऑल्सो बाकी पिक्चर के साइज पे, हाँ वो पूरे बैकग्राउंड पे होगी, हम उसको रीसाइज करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है हाँ जी, टू मेथड्स आर क्लियर, यस मैम, ओके, क्रिएटिंग अ स्लाइड हैविंग द क्लिप आर्ट और पिक्चर फॉर्म लेआउट, लेआउट चूज करेंगे, सेकंड मेथड इज यू कैन इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल पिक्चर्स, हाउ यू विल मेक योर पिक्चर एज अ वाटरमार्क, हाउ यू विल चेंज योर पिक्चर डायलॉग बॉक्स वाटरमार्क ऑप्शन, मैम पिक्चर टूलबार वाटरमार्क ऑप्शन, पिक्चर टोमेटिंग टूलबार, पिक्चर टूलबार, देयर इज अ ग्राफिक मोड, चेंज द ग्राफिक मोड टू ट्रांसपेरेंट, सुन लो ना, वाटरमार्क सॉरी, चेंज द ग्राफिक मोड टू वाटरमार्क, ठीक है, सो इन अ पिक्चर टूलबार, इन द पिक्चर टूलबार चेंज द ग्राफिक मोड टू वाटरमार्क, इंसर्टिंग अ वाटरमार्क पिक्चर, हाउ यू कैन इंसर्ट अ वाटरमार्क पिक्चर, पिक्चर इंसर्ट करके उसको वाटरमार्क में कन्वर्ट करना है इन पिक्चर टूलबार, चेंज ग्राफिक मोड, देर आर फोर ग्राफिक मोड्स, कौन कौन से हैं, ग्रे स्केल ग्राफिक मोड, ब्लैक एंड व्हाइट, वाटरमार्क और नॉर्मल, जो नॉर्मल आपका आ रहा होता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट चेंज ग्राफिक मोड टू वाटरमार्क, फोर टाइप्स ऑफ वाटरमार्क, फोर टाइप्स ऑफ ग्राफिक मोड, ओके okay. फोर टाइप्स ऑफ ग्राफिक मोड, वन इज डिफॉल्ट दैट विल बी योर, देन ब्लैक एंड व्हाइट, यस बेटा हाँ जी, ग्रे स्केल एंड वाटरमार्क, ट्रांसपेरेंट अलग से हमारे पास स्लाइडर होता है पिक्चर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, हाँ जी ग्रे स्केल ही कट था, एक वर्ड, ओके एक ऑप्शन जो हमने प्रैक्टिकल में उस दिन नहीं कर पाए, टाइम नहीं बचा था, दैट इज ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग, यू वांट टू सपोज आपने कुछ शेप्स ड्रॉ करके कुछ डायग्राम फॉर्म में बनाया, या आपने पिक्चर को लेबल करना है, पिक्चर इंसर्ट कर ली, पिक्चर के साथ मैंने कुछ एरोज लगाए हैं लेबल करने के लिए, एरो लगा के आगे टेक्स्ट बॉक्सेस में मैंने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, तो नाउ जब भी मुझे इन चीजों को मूव करना है या रीसाइज करना है, एक बार प्लेसमेंट कर ली, बाद में लग रहा है कि नहीं छोटा बड़ा करना है, तो इंडिविजुअली हर चीज को, एक पिक्चर को भी चेंज किया तो ग्राफिक एरोज फिर से मूव हो गए, आपको फिर से सारे एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो बेटर वे क्या है कि एक बार पूरी पिक्चर एरोस टेक्स्ट बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए, सिलेक्ट ऑल ऑफ देम, मेक अ ग्रुप, सो दैट विल बिकम वन बिग पिक्चर, आफ्टर दैट यू कैन मूव इट, आफ्टर दैट यू कैन रीसाइज इट एज अ वन पिक्चर, ठीक है, इकट्ठी होएगी, जैसे सपोज आपको प्लेसमेंट ही बाद में चेंज करनी पड़ गई, ठीक है, तो आपने अगर एक पिक्चर को मूव किया तो दैट मीन्स की लेबलिंग तो सारी मिसप्लेस्ड हो गई, है ना, तो अगर आपने उसको ग्रुप कर लिया फिर मूव किया तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ वन ऑब्जेक्ट इकट्ठा मूव होएगा, आपकी प्लेसमेंट नेम चेंज होएगी, तो हाउ टू मेक दैट ग्रुप, व्हाट इज द कमांड फॉर मेकिंग दैट ग्रुप,
मैम जो लेबलिंग की होगी वो भी उसके साथ ही होगी ग्रुप में? बिल्कुल होगी, अगर आपने सेलेक्ट करके ग्रुप बना लिया तो। ओके अगर मैम। आपने टेक्स्ट बॉक्सेस को, इमेज को और एरो को इकट्ठा सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना लिया, देन यू कैन मूव इट एज वन ऑब्जेक्ट, दैट विल बिकम वन ऑब्जेक्ट देन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू सेलेक्ट द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स? बाय प्रेसिंग द शिफ्ट की, ठीक है? क्लिक ऑन वन ऑब्जेक्ट, प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू सेलेक्ट। सारे ऑब्जेक्ट जब सेलेक्ट हो गए, आफ्टर दैट यू विल यूज द ग्रुप कमांड। सिलेक्शन टूल्स कहाँ पे होता है? सिलेक्शन टूल कहाँ होता है बताने लगी? गामा बटन कहाँ पे है? मैं चेक कर लेती हूँ, प्रैक्टिकली चेक कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स मेन्यू इज फॉर्मेट मेन्यू, ग्रुप ऑप्शन, ग्रुप। वॉटरमार्क की ट्रांसपेरेंसी भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मीन पिक्चर को ट्रांसपेरेंट बनाना ताकि उसके पीछे का टेक्स्ट नजर आ सके, ठीक है? वॉटरमार्क मीन्स कि मैंने पिक्चर को इतना लाइट कलर्स में कर देना, वॉटरमार्क बना देना ताकि मैं उसको एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकूं, ठीक है? ऑलमोस्ट सिमिलर सा व्यू, देखने में सिमिलर ही लगेगा। लिसन, सपोज आई हैड ड्रॉन वन पिक्चर हियर, ठीक है? आई वॉन्ट टू लेबल इट सम पार्ट, ठीक है? नाउ आई वॉन्ट टू सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, क्लिक ऑन वन ऑब्जेक्ट, प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन एरो, क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स, अगेन कीप प्रेसिंग द शिफ्ट की, क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस, ऑल द ऑब्जेक्ट्स क्लिक कर लिए, सेलेक्ट हो गए। नाउ गो टू फॉर्मेट मेन्यू, सब मेन्यू है, ग्रुप मेन्यू पे क्लिक, ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सब मेन्यू होगा, उसमें ग्रुप ऑप्शन भी है, अनग्रुप ऑप्शन भी है, तो चूज द ग्रुप ऑप्शन। शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, इट विल मेक वन बिग ग्रुप, बिग ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट व्हेन यू मूव इट, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड विल मूव साइमल्टेनियसली। Now, why we need the ungrouping? Suppose आपने resize कर दिया, text boxes का size ज़्यादा या text का font ज़्यादा छोटा हो गया या color हो गया, so then you can ungroup it again, ठीक है? Modify the text boxes or modify the arrows, अगर आपको कोई changes करने हैं, then you can individual modification करने के लिए आप इसको अलग से दोबारा ungroup कर सकते हो, ठीक है? दोबारा grouping करनी है तो आप दोबारा grouping कर सकते हो। ओके, अनग्रुप करने के लिए अगेन, ओके, फॉर्मेट मेन्यू, ग्रुप ऑप्शन, अनग्रुप। बेटा ग्रुप ऑप्शन के आगे सब मेन्यू ओपन होगा, सब मेन्यू में दोनों ऑप्शन है, ग्रुप अनग्रुप सेम है, ऑल्ट की ऐड हुई है, अनग्रुप। यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी था, यहाँ पे आएगा ऑल्ट शिफ्ट प्लस जी, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। पावर पॉइंट में सिंपल कंट्रोल जी है ग्रुपिंग के लिए, वहां पे रीग्रुप की ऑप्शन भी है। हाँ जी, यस दिव्या, मैंने बेटा इंप्रेस में सारा है तो प्रैक्टिकली रिलेटेड हो जाता है ना टॉपिक, तो दैट इज वाई अभी भी अगर आप करोगे तो आप पूरा चैप्टर करोगे लर्न, ठीक है? आप ये नहीं सोचोगे कि ये स्टार्टिंग वाले पेज हम ना करें, बिकॉज समटाइम्स रिलेटेड ऑप्शंस आर देयर।
हाँ जी प्लीज हो जाती है दो हाथ है वी आर हैविंग टू हैंड्स टू कीज ऐसे हो जाएंगी ओके ओके व्हाट आर द वेरियस थिंग्स यू कैन डू इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू What are the various things that you can do in the slide shorter view? Jashan, rearrange the slide. First of all, important. Dekho. Listen, rearrange the slides. You can reorder the slides by dragging the slides. ठीक है? You can create the duplicate of the slide. You can copy the slide. That means आपको slides को copy भी कर सकते हो. Again, duplicate create हो रही है. ठीक है आप सिंपल डुप्लीकेट कमांड देके डुप्लीकेट कॉपी स्लाइड फिर क्रिएट कर सकते हो यू कैन डिलीट द स्लाइड्स इन ऑल द थिंग्स कैन बी डन इन स्लाइड शॉर्टर व्यू ओके फर्स्ट ऑफ ऑल स्विचिंग टू द स्लाइड शॉर्टर व्यू कहां से जाएंगे जो आपके पास व्यू के बटन आ रहे हैं क्लिक ऑन द स्लाइड शॉर्टर व्यू बटन ठीक है देन रीअरेंज द स्लाइड्स क्लिक ऑन द स्लाइड एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड प्लेस When you drag, there is a line. आपको एक line indicate करती है positioning के लिए कि ये line position अब यहाँ पे है. If you are satisfied with the position, you can drop it there. There that slide will be rearranged. Okay. How you can select the multiple slides? बेटा multiple slides, multiple objects या multiple files in Windows Explorer. Listen. Listen, shift key और control key दोनों use होती हैं, ठीक है? But दोनों में difference है. बताओ. This अगर आपकी selective selection continuous है, तो you will use a shift key. अगर आपकी selection random है, you will use a control key. Whether in slides, whether in files or folders in Windows Explorer, copy करते वक्त multiple files select करनी है, तो अगर आपकी कंटिन्यूअस सिलेक्शन है तो आप क्या करते हो फर्स्ट फाइल पे या फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया सेलेक्ट हो गया प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट स्लाइड और क्लिक ऑन द लास्ट फाइल सो इट विल सेलेक्ट ऑल द फाइल्स विद इन दैट फर्स्ट एंड लास्ट रेंज जो रेंज में आ रही है तो वो सारी सेलेक्ट होती है ठीक है But if you want to select the random non-continuous files or non-continuous slides, do you will press the control key and click on the particular slides or files that you want to select. To select or files. In Windows Explorer mein common bata rahi hu, aap usually pen drive use karte hain ya mobile se data copy karte hain, aapko multiple files ya multiple objects select karne padte hain. ठीक है तो मल्टीपल आप एक होता है ड्रैगिंग करके कर लो ड्रैग मेथड से दूसरा है यू कैन यूज द शिफ्ट की एंड कंट्रोल की अगर सेलेक्टिवली सेलेक्ट कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स को फाइल्स को या स्लाइड्स को कंट्रोल की प्रेस करके कर लो शिफ्ट की के साथ कंटिन्यूअस में होगा ठीक है जर्नल है ये तो सब जगह यूज होना है कॉपी पेस्ट के मेथड जर्नल है चाहे वर्ड में करो एक्सेल में करो इंप्रेस में करो विंडोज एक्सप्लोरर में करो ऑल द मेथड्स आर सेम So that means these जो basic चीजें हैं ये सबको हर थर्ड टाइम आनी चाहिए चाहे वो शॉर्टकट की के साथ करे चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ करे या आप मेन्यू कमांड के साथ करे मेथड विल बी सेम हाउ यू विल डिलीट द स्लाइड कंट्रोल प्लस एक्स विल कट द स्लाइड डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड Press the delete key from the keyboard or use the delete slide option from edit menu. Menu command likho. Yes, wo clipboard mein hoti hai beta. Whenever we cut or copy the objects before pasting it, they goes to clipboard. ठीक है तो clipboard में वो memory एक तरह की आपकी cache memory utilize हो रही है तब तक ना पेश करे वो क्लिपबोर्ड में है कंप्यूटर की मेमोरी में है तो इट विल बी द वेस्टेज ठीक है अगर डिलीट करनी है तो प्रेस द डिलीट की डोंट यूज कंट्रोल प्लस एक्स
कंट्रोल प्लस एक्स या कट तब करो जब आपको वापस को कहीं और पेस्ट करना है, रिसोर्सेज की वेस्टेज है नहीं तो। ओके, टू डिलीट स्लाइड वन मेथड, प्रेस डिलीट की फ्रॉम कीबोर्ड, एडिट मेन्यू, डिलीट स्लाइड ऑप्शन, डिलीट स्लाइड है, प्लीज माइंड इट, साथ साथ लर्न कर लो, मे बी नेक्स्ट वीक से टेस्ट हो, ना भी होगा तो मैंने ले लेना है, आई विल टेक योर टेस्ट, नहीं यही दोगे, ऑफलाइन कैसे होते आगे? ओके, बी क्वाइट, बिल्कुल हो जाता है। ओके, व्हाट इज द मेन्यू कमांड, व्हाट इज द मेन्यू कमांड फॉर कॉपी एंड पेस्ट, एडिट मेन्यू, कट ऑप्शन, एडिट मेन्यू, कॉपी ऑप्शन, एडिट मेन्यू, पेस्ट ऑप्शन, शॉर्टकट की फॉर कट कॉपी पेस्ट, मेन्यू कमांड इज एडिट मेन्यू, एडिट मेन्यू कट, एडिट मेन्यू कॉपी एंड एडिट मेन्यू पेस्ट। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए, देन प्रेस डिलीट की, ऑल द स्लाइड्स विल बी डिलीटेड। ओके नाउ हनूर, व्हाट इज द मेन्यू कमांड फॉर ओपनिंग द स्लाइड मास्टर, व्हाट इज द मेन्यू कमांड फॉर ओपनिंग द स्लाइड मास्टर, वी हैड जस्ट रिटन इन योर, मैंने अभी अभी रफ कॉपी पे आपको डोला लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, करेक्ट, वेरी गुड, व्यू मेन्यू, मास्टर, स्लाइड मास्टर, व्हाट इज द मेन्यू कमांड फॉर ओपनिंग द मास्टर एलिमेंट्स, व्यू मेन्यू, मास्टर, मास्टर एलिमेंट्स, ओके, फॉर इंसर्टिंग पिक्चर, कीर्ति, कीर्ति, फॉर इंसर्टिंग पिक्चर, मेन्यू कमांड, रेजा, रेजा, फ्रॉम फाइव, ओके,